जनता जनार्दन है। जिसके सिर पे हाथ होगा वो ही ताकतवर होगा। बाकी ये पद कुर्सियां मंत्री संतरी आए चले गए, जो जनता के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ेगा वो ही इस देश में राजनीति करेगा। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, लेकिन भ्रष्टाचार करप्शन आर्थिक अपराध करने वाले वो लोग जिन्होंने गलतियां की थी और बार बार कहा जाता है हर गलती सजा मांगती है, जांच होनी चाहिए, सबूत मिले तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान को एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति देने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस मुद्दे को लेकर मैंने बड़े खुले मैदान में इस बात को कहा कि करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, पर देश के नौजवान को के भविष्य को हम अंधकार में डालना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ये संघर्ष, ये संकल्प कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। आप सब लोग यहां बैठे हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन मुद्दों को मैंने उठाया ये लड़ाई सही है गलत है, मुझे आवाज नहीं, क्या बोला आप लोगों ने? भाई मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया, मैंने कोई किसी को कड़गड़े में खड़ा नहीं किया। मैंने बड़ी शालीनता से कहा कि जो हमने आपने वादे किए थे उन्हीं को पूरा कर दो, क्योंकि तो चुनाव सरफल है। जैसे गुड़ा जी ने कहा, ये 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस की जो परिपाटी बनी है पिछले 35 सालों में, इसको अगर रोकना है इसको तोड़ना है, अगर दोबारा जनता की सेवा करने का मौका हम लोगों को चाहिए तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जनता का विश्वास हम लोग जीत सके। इसलिए आज इस सभा में आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और खासकर हमारी शहर की जो वीरांगना है इसके भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करी है। मैं सभी वक्ताओं को आश्वासित करना चाहता हूं कि जितना जोर हम में है, और बुढ़ा साहब आपने ऐसा कैसे बोला, हम लाचार हैं, कमजोर है, मजबूर है, अरे छोड़, ये लोकतंत्र है, यहां जनता जनार्दन है। जिसके सिर पे हाथ होगा वो ही ताकतवर होगा। बाकी ये पद कुर्सियां मंत्री संतरी आए चले गए, जो जनता के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ेगा वो ही इस देश में राजनीति करेगा। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, 36 गांव के लोगों से, कि आपने हमेशा मान सम्मान और प्यार आशीर्वाद दिया है, भविष्य में भी आप देते रहोगे और हम लोग मिलकर इस परिवार की बेहतरी के लिए जो सबसे बेहतर काम हो सकता है उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने आज इस विश्वास के साथ यहाँ पर हमारा सत्कार किया, आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।